सकते हैं, ये चाय का कप है हमारा, ये इजीली सबके घर में अवेलेबल होता है। इसी कप से मैंने 4 कप मैदा लिया है और इसी कप से मैंने 2 कप चीनी लिया है, आप देख सकते हैं। और ये 4 चम्मच मैंने छोटे चम्मच से घी लिए और 4 से 5 ये आइस क्यूब है। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। एक बड़ा बर्तन ले लें जिसमें आसानी से आपका मिक्स हो जाए, और ये मैं इसके अंदर घी ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने घी डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वर, ये मैंने बर्फ डाल दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारा घी बिल्कुल स्मूथ क्रीम पेस्ट ना बन जाए। चलिए इसे हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 मिनट तक फेंट लिया है इस तरीके से। हमारा देख सकते हैं कितना स्मूदी क्रीम बन चुका है। अब ये हो चुका है, अब हम इसमें से ये आइस क्यूब निकाल देंगे। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से ये आइस क्यूब आप इसे निकाल लें। आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा और इसे कर लेंगे मिक्स अच्छे से इस तरीके से। बिल्कुल भी इसके अंदर लंप्स ना रहे, एकदम स्मूथ क्रीम बन जाना चाहिए हमारा। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा मैदा लेके इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें बाकी के मैदा भी ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ही लेके मिक्स करेंगे ताकि हमारा अच्छा पेस्ट बन जाए। हमें ज़रूरत होगी इसके अंदर दूध डालने के, हम बिल्कुल ठंडा दूध डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा दूध डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल ठंडा दूध लिया, मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स करूँगी। आप कोशिश करें कि इसमें ठंडा पानी या ठंडा दूध ही डालें, गरम कुछ भी ना डालें। इसको पेस्ट बना लेंगे। बाकी के मैदा भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस पर दूध ठंडा दूध डाल देंगे और हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसका घोल बना लेंगे, सारा दूध मैं इसके अंदर ऐड कर दी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए इसे घोल बना लेते हैं, 2 मिनट फेंट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने दूध डाल के इसे मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल चिल्ड पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी, और इसे इस तरीके से मिक्स करूँगी, बिल्कुल अच्छा एकदम स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। इसी तरीके से आप बनाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया, कितना स्मूथ क्रीम बन चुका है। अब हम इसमें पानी और ऐड करेंगे, बहुत गाढ़ा है, हम इसे पतला पैटर्न बना लेंगे। हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा घोल बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कितना पतला है। आप इसी तरीके का कंसिस्टेंसी लें और ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, नॉर्मल साइज़ का आप इस तरीके का रखें। आपका बहुत ही अच्छा जालीदार घीवर बनेगा। चलिए इसे हम बनाते हैं। इसमें घीवर का शेप बिल्कुल गोल गोल बनकर आए, इस तरीके का आपके पास अवेलेबल होगा वो इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। कढ़ाई में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि कढ़ाई में हमारा घीवर डालते ही वो फैल जाता है इसलिए। तो आप देख सकते हैं मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। आप इसके अंदर तेल बिल्कुल इस लेवल का डालें, हाफ से भी कम, ताकि इसके अंदर हम घीवर डालें तो वो उछले ना, क्योंकि हम जैसे इसके अंदर घीवर डालते हैं वो एकदम से उछल जाता है और वो हमारे ऊपर आ सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने आधा लेवल का ही ऑयल डाला, मैंने ये रिफाइन ऑयल डाला। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छा गर्म हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पैटर्न इसके अंदर डाल देंगे। मैंने पैटर्न को एक बाउल में ले लिया, एक कटोरे में पैटर्न को ले लिया, बाकी का पैटर्न जो बचा हुआ है उसे मैंने फ्रिज में रख दिया क्योंकि ये हमें बिल्कुल ठंडा चाहिए बनाने के लिए इसलिए। तो आप देख सकते हैं हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इसे रखेंगे हम हाई फ्लेम पर और बहुत ही सावधानी से 2 फिट के ऊपर आप इसको इस पैटर्न को डालें। आप देख सकते हैं कि मेरा पैटर्न कितना पतला है, आप इसी तरीके का पतला रखें। अगर आप ज़्यादा मोटा रखेंगे तो आपका घीवर सही नहीं बनेगा। और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के सावधानी से इस तरीके से आप देख सकते हैं
जब इसका झाग कम हो जाए तब आप दूसरा उसके अंदर डालें। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से डालें तो आपका गीवर बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखें, जब इसका फेन जो झाग जो भी है आप इसको एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप दूसरा पैटर्न इसके अंदर ऐड करें, तभी आपका गीवर बहुत ही अच्छा बनेगा, जालीदार बनेगा। बिल्कुल इसी सेम प्रोसेसर से इस चम्मच से करीब मैं 10 बार डालूंगी। ये देखिए, इस एक घीवर को पकते पकते लगभग 5-6 मिनट लग जाएंगे, तो आप घबराएं नहीं, आराम से उसे पकाएं, उसके बाद उसे उतारें। तो आप देख सकते हैं ये मैं इसके अंदर फिर से पैटर्न डाल रही हूँ। ये इस तरीके से डालें और चाकू के हेल्प से बीच में इस तरीके से कर लें ताकि बीच में गैपिंग रहे और आपका आसानी से पैटर्न डल जाए। तो इसी तरीके से फिर से हम ऐड करेंगे अपना पैटर्न, उस तरीके से डालेंगे, सेम प्रोसेसर ऐसे करेंगे और सारे गीवर को बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे पकते पकते 2 मिनट हो चुका है, अभी हम इसे और पकाएंगे। ये हमारा अभी कच्चा है, आपको मैं दिखा देती हूँ। साइड से कच्चा है, अभी ये पका नहीं है। ये जब पक जाएगा तो ये साइड के जो कॉर्नर है, ये साइड के जो कॉर्नर है वो अपने आप ही निकलने लगेगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा घीवर पक चुका है, अभी इसे पकने में टाइम लगेगा। आप घबराइएगा नहीं कि ये जल जाएगा या कुछ नहीं, ये आराम से धीरे धीरे पकेगा। अभी इसे 2 मिनट और पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा 2 मिनट हो चुका है, अब इसे हम अंदर की तरफ हल्का सा टच करेंगे, ये बिल्कुल हिलने लगेगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए गोल गोल घूम रहा है, मतलब ये हमारा हो चुका है घीवर। अब हम इसे आहिस्ता से ध्यान से इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से आप बनाएं। और आप ये देख सकते हैं मैंने एक प्लेट लिया है, प्लेट के नीचे एक कटोरा रखा है और उसके ऊपर इसे डाल दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है सारा प्लेट में आ गया। इसी तरीके से आप भी करें। तो आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी पतीली ली है और इसके अंदर मैं अपना चीनी ऐड कर दूँगी। अब मैं इसका चाशनी बना लूँगी और इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैं नाप के 1/4 ले रही हूँ, जितना हमने चीनी लिया उतना ही हमने पानी लिया। अब हम इसे पका लेंगे एक तार की चाशनी आने तक। तो ये आप देख सकते हैं, और इसे आप पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें और जब तक ये चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, घुल नहीं जाती पानी में, तब तक आप इसे चलाएं, नहीं तो हमारा नीचे से चीनी जल सकता है। इस तरीके से आप बना लें। हमारी चाशनी को पकते पकते 3-4 मिनट हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से पक रहा है, ठंडा होके और गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हल्की सी तार बन रही है, इसका मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी चाशनी तैयार है, इसे मैंने एक कटोरे में रख लिया है और मैंने एक प्लेट लिया है और इस तरह के जाला लिया, इसके ऊपर रख देंगे और इस ये घीवर रख देंगे और इसके ऊपर हम चाशनी डाल देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा चाशनी होगा वो इस प्लेट में आ जाएगा।
अगर आपके पास जाला नहीं है तो आप एक कटोरा स्टील का ले लें या कोई सा भी, वो इसके नीचे रख दें और ये डाल दें तो आपका सारा चाशनी नीचे अब्सॉर्ब हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं हल्का गर्म ही चाशनी रहे, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। और वो इस पर हम इस तरीके से अच्छी तरह से फैला देंगे। ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा लें और चारों तरफ अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट कर लें, चाशनी कोट हो जानी चाहिए चाशनी से। चाशनी में हमने डिप नहीं किया क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, इसलिए आप इस तरीके से करें। ये देख सकते हैं, तो ये हमारा कोट हो चुका है, बाकी के भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारी चाशनी किस तरह से प्लेट में आ चुकी है। ये देखें, ये एक्स्ट्रा चाशनी सारा प्लेट में आ चुकी है। इसी तरीके से आप बनाएं, बाकी के सारे इसी तरह से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे चाशनी डाल लिया और इसका सारा रस टपक चुका है। आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है, ये देख सकते हैं पूरा चाशनी से डूबा हुआ है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दूसरा पीस भी दिखा देती हूँ कितना बढ़िया इसका कलर आया है। और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी लगता है, आप देख सकते हैं। वाह, कम सामान में और बहुत ही कम समय में झटपट बन जाता है ये घीवर। आप देख सकते हैं, मैं आपको साइड से भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल चाशनी में डिप किया हुआ है, बहुत ही मीठा मीठा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही बच्चों को घर में पसंद आते हैं। मिलनी पाता तो हम घर में ही इस तरीके से बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा ही लगेगा, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।